रवि का मेरे चैनल पे फिर से। तो आज हम लोग कुत्ते का वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि आप लोग घर में कैसे आप कुत्ते को वैक्सीन दे सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल। तो वैक्सीन के लिए दो ही वैक्सीन आता है पहले, तो पहले वाला हो गया आपका पार्वो वाला, ये पार्वो वाला वैक्सीन है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, पार्वो वाला वैक्सीन है ये। पहले वाला आपका आएगा पार्वो वाला वैक्सीन, आप देख सकते हैं इधर, ये पार्वो वाला वैक्सीन आएगा। उसके बाद में आपका रेबीज वाला वैक्सीन आएगा। तो जो पहले वाला देंगे आप, तो नोटिस करके रखिएगा, पहले वाला जो डेट होगा जब आप पहले वैक्सीन मारेंगे 40 दिन के बाद, जब आप नया पपी खरीदेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो आपका 40 दिन का होगा या 50 दिन का होगा, तो वो आप याद रखिएगा। उसके बाद में आप पहला जब वैक्सीन मारेंगे उसका डेट आप देख के रख दीजिएगा, पहला डेट देंगे, पहला डेट देंगे, पकड़ ले मैंने 14 तारीख को मारा था, तो यही सेम वैक्सीन फिर से लगेगा 14/5 को, 1 महीने के बाद में, सेम तारीख में होगा मगर मंथ अलग अलग होगा। तो वैसे ही उसके बाद में इसका 15 दिन के बाद में रेबीज वाला गिरता है, तो रेबीज वाला जो सेकंड होगा वो 15 दिन के बाद में गिरेगा। 15 दिन के बाद में गिरने के बाद में आप क्या करेंगे, इसका 1 महीने के बाद में दूसरा यही वाला गिरेगा, तो ये इंटरवल आप याद रखिएगा। ये देखिए 2/5 को है, तो ये 2/6 को कर दिया मैंने। अभी इधर में क्या होता है, कभी कभी डिले हो जाता है हम लोग का, ये मेरा जो है ये 15 दिन से थोड़ा डिले हो गया था सेकेंड वैक्सीन, तो कोई इशू नहीं है, आप इसका डिले के हिसाब से इसको डिले मत कीजिएगा, उसी डेट पे इसको डालने का है। ये 1 महीने के इंटरवल में डलता है सेकेंड वाला, इसका सेकेंड वाला 1 महीने के इंटरवल में डलता है, इसका सेकेंड वाला 1 महीने के इंटरवल में डलता है, तो इसका 15 दिन के बाद में ये होता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप 15 से 16 17 कभी कभी हो जाता है, ज्यादा डिले मत कीजिएगा, अगर 20 दिन के ऊपर हो गया तो फिर से इसको मारना पड़ता है, ये काम नहीं करेगा नहीं तो। ये हो गया आपका पार्वो का, ये हो गया आपका रेबीज का पहले वाला। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इससे होगा क्या, खुद से वैक्सीन देने से होगा क्या, तो खुद से वैक्सीन देने से क्या होता है, आपका एक हैबिट हो जाएगा। कभी कभी पकड़ लीजिए आपका वैक्सीन देने में डिले हो गया, अगर डिले हो गया तो क्या होता है, आप पार्वो पकड़ लिया, अगर आपका पेट का पकड़ लीजिए, पार्वो से सफर कर रहा है वो, तो क्या होता है उसको एनी टाइम ग्लूकोज में रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपका डॉक्टर कभी कभी आता नहीं है, उसको आप कितना वेट वेट में लेके जाएंगे, तो आप खुद से अगर हैबिट हो जाए इंजेक्शन देने का तो क्या होता है फ्यूचर में आपका काम आ जाएगा, तो डॉग में ज्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा आपको, जैसे डॉक्टर लोग कुछ कुछ जगह में बहुत कम पाए जाते हैं, तो आप अपना हैबिचुअल कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैं लेटर ऑन द वीडियो में दिखा दूंगा कैसे मैंने इंजेक्शन मारा है। बेसिकली आपको इंजेक्शन कहाँ पे मारना है, उसके स्किन पे मारना है, और ख्याल रखना है कि उसके मीट के अंदर ना घुस जाए, मीट के अंदर गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप स्किन में मारने की कोशिश कीजिएगा, स्किन में मारेगा, मांस के अंदर जाना नहीं चाहिए, और स्किन कहाँ पे सॉफ्ट होता है, लेग के आजू बाजू सॉफ्ट होता है, पिछवाड़े के पिछवाड़े में ज्यादा स्किन सॉफ्ट होता है, तो आप सॉफ्ट स्पॉट देख के, आप अपने कुत्ते का सॉफ्ट स्पॉट देख के उधर में इंजेक्शन मारिएगा, स्किन में मारिएगा, उठा लीजिएगा, ऐसे पकड़ के उठा लीजिएगा, उसके बाद में डाल दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा लेटर ऑन द वीडियो मैंने कैसे मारा है, तो उसको हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी आपको पूछना है वैक्सीन रिलेटेड सवाल तो मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जितना हो सके मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। तो शुक्रिया और वीडियो इंजॉय कीजिए, थैंक यू। ये मेरा कुत्ता है, इसका नाम रोक्सेन है, तो काफ़ी हेल्थी पप्पी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसका, तो इसको हम लोग वैक्सीन मारेंगे आज, तो वही दिखाऊंगा। तो मैंने जो बोला था इसका पिछवाड़े में ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होता है, इधर में आप देख सकते हैं, तो इधर का हिस्सा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पैर का साइड का हिस्सा आप इधर का ले सकते हैं, तो ये अभी हेल्दी है,
इसका वैक्सीन आज देंगे तो खेल रहा है तो अच्छा ही है। तो यही देखना चाह रहे हैं, यही कुत्ता है, ये रॉटवाइलर पपी है। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को और बस, थैंक यू। इंजेक्शन में हवा को निकालने के लिए उसको ठोकते रहिए, ठीक है? तो एयर बबल जो बोलते हैं, हवा रह जाता है जो इंजेक्शन में, उसको निकाल लीजिए आप। ठोक ठोक के उसको ऊपर की तरफ आ जाएगा वो। उसके बाद में लिक्विड थोड़ा चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, इसको फॉलो कीजिए और इंजेक्शन रेडी हो जाएगा। थैंक यू।